पे ये तीन नदियों का संगम ही इस धाम को और भव्य बनाती हैं और अतिरिक्त सुहाए गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी अच्छा हूँ मैं और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ सरवण क्षेत्र यानी कि सरवण बाबा के धाम, जहाँ पर राजा दशरथ ने सरवण कुमार को तीर मारा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहीं पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का दृश्य कैसा है और किस प्रकार है। तो बिना देर किए चलता हूँ, दिखाता हूँ। अभी सरवण धाम के ग्राउंड में आ चुका हूँ और आपको एक बार ग्राउंड का नज़ारा दिखा देता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. और ये नदी है, ये वही नदी है जहाँ पे राजा दशरथ ने सरवण कुमार जी को बाण मारा था और वो मूर्छित हो गए थे। यहाँ पे ये तीन नदियों का संगम ही इस धाम को और भव्य बनाती हैं और अतिरिक्त सुंदर बनाती हैं। चलिए अब आपको उस मूर्ति को दिखाते हैं जहाँ पे भगवान सरवण कुमार लेटे हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है और उनके माता पिताजी हैं। यहाँ पर दिसंबर के महीने में भव्य मेला भी लगता है, उस मेले का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जहाँ मेला लगेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ मूर्ति। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. यहाँ पे ये बरगद का पेड़ भी बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ आपको एक बार बैक कैमरे से। छाया के लिए बहुत ही अच्छा लाभ है और लाभदायक है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर ज़रूर टिकते हैं और यहाँ के छाया का आनंद लेते हैं। तो मैंने इस ब्लॉग में सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी आप नए चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।